सो गाइज, मेरा नाम अक्षय अकोड़ा। यहाँ से हमारी वीडियो चालू होने वाली है। हम एक्चुअली अभी एक्जर्बिया एंजॉयड हिल्स सोसाइटी में, ये इसका क्लब हाउस है और ये इसका चौराहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है ये, और मैं आपको दिखाते आता हूँ कि मैं अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं उसका नाम है लाइफ रिपब्लिक सोसाइटी। तो आप देख रहे हैं मॉनसून सीज़न चालू है और यहाँ पे ये लाइफ रिपब्लिक सोसाइटी दिख रही है यहाँ से एक्जर्बिया हिंजोड़ी हिल्स से। और यहाँ पे ये है मारुंजी हिल्स। सो हम चलते हैं लाइफ रिपब्लिक की ओर पे, देखते रहिए मेरा वीडियो। तो हम यहाँ से गाइज हिंजोड़ी हिल्स से हम चल रहे हैं, और देखो यार इसका नज़ारा कितना बढ़िया है। मतलब मानोगे नहीं, ये जो सोसाइटी है ये इतनी कुछ पॉपुलर नहीं है, बट यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है ये। एक्चुअली ये न्यूयॉर्क के बेस पे ये बनी है। वाओ क्या बढ़िया नज़ारा है। इस अगर आप ये जो टाउनशिप है, अगर आप इसको विज़िट करते हैं तो आपको शायद लवासा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही लोनावला, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। देखो यार यहाँ पे मतलब फ्लावर ही फ्लावर्स है। लुक देखो यार गाइज, यहाँ पे फ्लावर्स ही फ्लावर्स है। मतलब ब्यूटीफुल सोसाइटी विद ब्यूटीफुल नेचर। यहाँ पे गटी देन इसके आजू बाजू भाई बहुत अच्छे प्लांटेशन किए हुए हैं इन लोगों ने। तो ये हम अभी एक्जर्बिया हिंजोड़ी हिल्स के अंदर है। ये क्लब हाउस से बाहर जाने का एग्जिट रोड है। सोसाइटी को बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। ये मारुंजी हिल से जुड़ी हुई सोसाइटी है, जो हिंजीवाड़ी हिल्स भी बोल सकते हो आप। और जब भी मॉनसून आता है तो ये एकदम सोसाइटी वो अपनी खुल उठती है। ये इसका एंट्रेंस गेट है, यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह है। और ये जो ऊपर जो आप रास्ता देख रहे हैं वो हम मारुंजी हिल्स जाने का रास्ता है, और ये हम नीचे की साइड जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं लाइफ रिपब्लिक, और लाइफ रिपब्लिक से हम जाएंगे पुनावले साइड। अभी मौसम तो बहुत अच्छा हो गया है, बारिश आ रही है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ गाइस। बारिश चालू हो गई है। सो गाइज, हम इस साइड से आए हैं। ये है मारुंजी हिल्स, ये सीधा रास्ता एक्जर्बिया हिल्स जाता है और ये सीधा एग्जिट के लिए जाता है। यहाँ पे एक नई शॉप भी बनी है, तो हम यहाँ से आगे जाएंगे। अब यहाँ पे नज़ारे देखो भाई, तो बारिश। ये रास्ता सीधा एग्जिट ले आता है।
पूरी सोसाइटी हरी भरी है, कहीं पे भी ऐसा लगेगा नहीं कि देखो यार बारिश, भीगते भीगते मुझे ब्लॉग बनाना पड़ रहा है यार सही में। चलो कोई बात नहीं, ये इसका एग्जिट गेट है। हाँ यहाँ से ये एग्जिट पॉइंट है इसका। जस्ट ये जो रास्ता है वो सीधा आपको कासासाई रोड तक लेके जाएगा। तो आप यहाँ पे बारिश का मजा ले सकते हैं। अभी मॉनसून चालू हो गया है और मैं जस्ट वीडियो बनाना चालू भी किया है मैंने। अब बारिश आए चाहे धूप आए, हम तो वीडियो बनाते रहेंगे। सब तो हरा भरा है देखो यार, इस सोसाइटी में जितना पीसफुल एनवायरनमेंट है वो और कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे भी अभी कंस्ट्रक्शन होना चालू हो गया, यहाँ पे भी पहले घर नहीं थे बट अभी बनने चालू हो गए। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं हम एक्सर्बिया से बाहर निकल चुके हैं और यहाँ पे भी स्टैंड अलोन जो घर होते हैं वो भी यहाँ पे बनने स्टार्ट हो गए। ये रास्ता भी रिंग रोड से कनेक्ट हो जाएगा, इसके आसपास जो एक रास्ते बनने वाले हैं वो रिंग रोड से कनेक्ट हो एंड देन बने हुए। खेत है, मंदिर है, बारिश में घूमने का गाइस मजा ही अलग है यहाँ तो। मैं यूं तो अभी आईफोन से वीडियो बना रहा हूँ ये रास्ता सीधा एंड होगा यहाँ पे, तो मुझे शायद वीडियो बनाते हुए देख। ये रास्ता की थोड़ी सी मरम्मत जरूरी है, मुझे तो बॉब द बिल्डर को बुलाना पड़ेगा। आपने शायद कार्टून देखे होंगे बॉब द बिल्डर वाले, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुंबई और पुणे के अंदर सबसे ज़्यादा ब्लॉगर्स हैं तो वो भी उनमें से एक। देखो भाई तो ये यहाँ जो रास्ता है एक आसर सही वाला है, तो हम सीधा आ रहे हैं गाइस यहाँ से लाइव रिपब्लिक। मुझे अपनी ट्यूबलाइट भी चालू करना, मुझे एक डैश कैमरा खरीदना ही होगा क्योंकि मैं अपने हाथ से लड़के से कैमरा ऑपरेट कर रहा हूँ। और ये देखो यार हम कहाँ से निकल के आए, वहाँ से निकल के गाइस हम इस रूट पे आ गए। बारिश भी अच्छी खासी हो रही है, तो हम गाइस जा रहे हैं लाइट रिपब्लिक से पुनावले की ओर, पुनावले रूट में।
बारिश अच्छी खासी हो रही है। यहाँ पे शोरूम वगैरह भी गाइस खुल गए, वैसे जैसे हीरो का शोरूम। हेलो, अगर चैनल पे अगर नया होना तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप पुणे के रूट दिखाते हैं, तब पुणे वेस्ट के स्पेशली। ये कॉलेज है IIMS, ये भी कॉलेज बहुत पॉपुलर है। और यहाँ पे दत्त साई दत्त मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी है यहाँ पे। ये रोड भी अगर आप यहाँ से सीधा जाएंगे तो लक्ष्मी चौक पहुँच जाएगा। और ये पीछे की साइड में जो रोड, ये देखो यार, यहाँ पे भी रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट बार, यहाँ पे शॉप से ही है, ये टायर्स, मुल्ची फ्रेश स्वीट्स। और ये है गाइस लाइफ रिपब्लिक सोसाइटी, यहाँ पे HP पेट्रोल पंप, यहाँ से देख सकते हो। ब्लॉगिंग करने के लिए गाइस मुझे एक स्टिकी भी खरीदनी है। तो ये भी एंट्रेंस है लाइफ रिपब्लिक का। लाइफ रिपब्लिक के अंदर आ गए एंट्रेंस का, तो इधर से लाइफ रिपब्लिक का एंट्रेंस है। और ये भी बहुत ही खूबसूरत है, देखो लाइफ रिपब्लिक का एंट्रेंस कितना हॉट है, एकदम ही खूबसूरत। तो यही जो रूट है ये हमें पुनावले तक लेके जाएगा। तो हम लाइफ रिपब्लिक के अंदर है गाइस, अब यहाँ से हम जाने वाले हैं पुनावले की ओर। ये वाला रोड भी है जो आने वाले समय में कनेक्ट हो जाएगा रिंग रोड से। ये सेल्स ऑफिस यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, एवेन्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये भी इसका एक चौराहा है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है एक टावर। यहाँ पे देख सकते हो कंस्ट्रक्शन है यहाँ आगे भी। घूमने का अलग ही मजा है।
तो यहाँ आगे से मुझे राइट लेना है। यहाँ पर भी एवेन्यू 17 तक है, फायर स्टेशन, सारी चीज़ अवेलेबल है यहाँ। और हम यहाँ से लेफ्ट मुड़ेंगे, फायर स्टेशन जो कि लाइफ रिपब्लिक के अंदर है। और ये भी नई बिल्डिंग है, बन रही है यहाँ पे, इसका भी रेडिफिकेशन चालू हो जाएगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा पैच खराब है, ये आला पैच जी बनने के बाद में सही हो जाएगा। तो देखो यार, ये पीछे लाइफ रिपब्लिक का दो साइड है, और ये रास्ता सीधे जा रहा है पुनावले की साइड में। एक्चुअली जो लाइफ रिपब्लिक कोलते फाटिल का जो प्रोजेक्ट है, वो 3 से 4 तालुका अपने एरिया से जुड़ा हुआ है, जैसे मारुंजी हो गया, हिंजीवाड़ी हो गया, पुनावले हो गया, तो इस साइड से जुड़ा हुआ है। इसके अंदर भी घर वगैरह बने हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, कोई सोसाइटी वगैरह भी बनी हुई है यहाँ, पूरा इलाका भी पूरा खाली है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये रास्ता भी रावत की साइड जा रहा है, और हम भी वहीं पे चल रहे हैं। तो देखो गाइस, वहाँ पे कितना कंस्ट्रक्शन हुआ हुआ है, लाइफ रिपब्लिक के जो फेजेस है उसके अंदर ये चीज़ें डेवलप हो रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना सारे बैनर ही बैनर है, और जो हर लैंग्वेजेस में हेलो हेलो लिखे रहे। और एक कोलते फाटिल का एक और प्रोजेक्ट है 24 कैरेट, अगर आपको गाइस मारुंजी साइड से रावत उनावले या फिर जो अपना पुणे का जो स्टेडियम है वहाँ पर अगर जाना है आईपीएल वगैरह देखने के लिए, तो याला रूट मैं प्रेफर करूँगा, क्योंकि ये रूट बहुत सही है। तो यहाँ से गाइस पूरी चीज़ें दिखाई देती है आपको, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा लाइफ रिपब्लिक बना हुआ है। ये पूरा लाइफ रिपब्लिक है और पुनावले से जुड़ा हुआ एरिया। ये रूट गाइस इसके अंदर से ही जा रहे हैं, यहाँ पे हरियाली वगैरह भी बहुत है, तो शूट करते हुए जा रहा हूँ मैं। लाइफ रिपब्लिक का ही प्रोजेक्ट है नोरा, देख सकते हैं यहाँ से एंट्रेंस है। यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बन रही है लाइफ रिपब्लिक के, जो स्टैंड अलोन घर है,
और ये पीछे की साइड पुनावले है। ये आपको जितना भी कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये वाली बिल्डिंग हो गई है। देन ये सामने वाली बिल्डिंग, ये थोड़ा पैच खराब है और यहाँ आप देख सकते हैं बिल्डिंग को। थैंक यू। और यहाँ से गाइस लाइफ रिपब्लिक खत्म हो जाता है, मतलब मारू जी से हम यहाँ पुनावले वाले रूट में आ गए। ये थोड़ा रास्ता खराब है, देखो इधर तो जल पर ही पानी पानी हो गया। ये देखो यार बिल्डिंग ही बिल्डिंग है गाइस यहाँ। यहाँ पे ये वाला गाइस प्रोजेक्ट है, देख सकते हो आप। प्रोजेक्ट्स ही प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ देखो वहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं गाइस। एंड ये गाइस हम एक्चुअल पुरावले में आ गए हैं, यहाँ पे जीके एसोसिएशन का आप देख सकते हो, जीके एसोसिएट डायरीज। ये बहुत खूबसूरत है, जहाँ पे भी बिल्डिंग है, कमर्शियल एरिया भी है यहाँ पे नीचे। अभी अभी जस्ट ग्रो अप बना है यहाँ पे भी, और कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं पूरी। तो आइट साइड सब कमर्शियल है और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। मैं आपको बस एक रूट दिखाने के लिए लाया हूँ गाइस यहाँ पे, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। नीचे पूरी कमर्शियल शॉप्स है, स्कूल्स एंड बिल्डिंग्स हैं। अब हम जाने वाले गाइस आगे से लेफ्ट, ये हम पुनावले की साइड में आ गए। देखो आप देख सकते हो लाइफ रोडनी की साइड में रास्ता ही निकलता है यहाँ पर। और ये 18 लैटिट्यूड वाला ये, तो हम यहाँ पे पुनावले वाले रूट में आ गए। यहाँ पे भी बहुत अच्छी चीज़ें बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन साइट, मिनी पॉड, ये सब कंस्ट्रक्शन चल रहा है इधर। और यहाँ पे ये एक फेमस है सोमानी रेसिडेंसी। पुनावले भी बहुत डेवलप कर रहा है वैसे, यहाँ पे देख सकते हैं नए नए प्रोजेक्ट्स आते जा रहे हैं यहाँ पे और बनते जा रहे हैं। एक बिल्डिंग होगा एकदम क्रेजी हो चुका है पुणे के अंदर, क्योंकि यहाँ पे लैंड जो है बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर बिल्डिंग से ही बनती है अभी पुणे के अंदर। आप देख सकते हैं ये वाली जो बिल्डिंग है, एंड ये थेटा बिजनेस पार्क है।
फिर आगे जा रहा है। तो यहाँ का पूरा एरिया देख सकते हो गाइस, उन्होंने का जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कौन कौन सी शॉप्स है और क्या क्या चीज़ें हैं वीडियो में आपको दिखाई दे रही होगी। और पुनावले में भी बहुत रेट है, वैसे ज़्यादातर प्रॉपर्टी मुझे ओवर रेटेड लगता है। देखो यार कंस्ट्रक्शन, और ये रास्ता सीधे जोड़ रहा है मुंबई बेंगलोर हाईवे से। यहाँ पे देख सकते हो टंकियों के भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं पानी के लिए। आगे बहुत ट्रैफिक लगा हुआ है, तो यहाँ से आपको पुणे मुंबई हाईवे जो है वो मिल आप जुड़ जाएगा। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।